दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 6 दिसंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:30 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर वाला आशीर्वाद चौक के पास में। बस रेड लाइट क्रॉस करिए और लास्ट ड्रॉप हुआ था दोस्तों मेरा सेक्टर 7 द्वारका रामपाल चौक के पास। और ये राइड मैं लेकर आया था अपना इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड से। और ये दोस्तों पिकअप में मुझे लग गया कम से कम 1.5 घंटा। डेढ़ घंटा कैसे लग गया है कि मतलब पालम का जो अंडरपास ब्रिज है जो द्वारका की तरफ आता है वहाँ से लेके पालम तक का, पालम का फ्लाईओवर चढ़ते हुए उतरते वक्त जहाँ मैंने बताया था बैंकेट हॉल है, शादी का सीजन चल रहा है, वहीं पे दोस्तों भसड़ वाला जाम लगा पड़ा है। और कोई भी भाई आ रहा हो तो देख कर आ रहा दोस्तों, जाम अगर दिखा रहा है 37 मिनट का जाम था दोस्तों, 37 मिनट का और ज़्यादा ही लग गया, कम से कम 37 मिनट तो पालम के फ्लाईओवर पे ही रहे। और उसके बाद फिर जब सूर्य बैंकेट हॉल आया वहाँ 15 से 20 मिनट वहाँ खराब हुए, क्योंकि क्या है कि गाड़ियाँ वहाँ पर ड्रॉप अप होते हैं, बारात चढ़ रही है, गाड़ियाँ एक से एक बढ़कर है, आपको पता है SUV सबके पास है, सब लोग फंसा के रखते हैं। तो बहुत ही गंदे जाम से निकल के आया हूँ दोस्तों आज। तो आज मॉर्निंग में मैं निकला था करीब 6:30 बजे करीब निकला था दोस्तों आज। और आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों करने की, बट क्या है कि कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी आगे देखिए जितना हमें कमाना होगा तो हम उतना, जितना हमारे हिस्से में लिखा होगा उतना तो हम लेके जाएंगे। तो मॉर्निंग में पहली ट्रिप मिल गई थी मेरे को इधर की, क्या कहते हैं आपका एम्स साइड की, एम्स से फिर छोटी मोटी करते करते पूरा दिन किया है और जितना भी काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अपडेट लेकर आया हूं जिसमें आपको ये जानने की ज़रूरत है। देखिए मेरे को भी ये नहीं पता था, मेरे को भी किसी भाई ने फ़ोन करके बताया कि महेश भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, काफ़ी ड्राइवर भाइयों के चलान हो रहे हैं, गाड़ी टो करके ले जाई जा रही है, ठीक है। और मतलब कहाँ की ये घटना है वो मैं आपको बताया था दोस्तों, अगर आप नोएडा में सेक्टर 16 फिल्म सिटी के जस्ट अपोजिट है GIP मॉल की तरफ जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आजकल एक मतलब गाड़ी टो करने का सीन हो गया है। और खासकर टारगेट जो किया जा रहा है वो ओला उबर के ड्राइवर को ही किया जा रहा है, अदरवाइज किसी और प्राइवेट गाड़ी को वो टच भी नहीं कर रहे। तो ये क्या मामला है मैं बताया था दोस्तों, मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, उसने बताया था कि भाई भैया ऐसे ऐसे मतलब गाड़ी में मतलब बंदे आते हैं अपनी टो वाली गाड़ी लेकर आते हैं और तुरंत अपना लगा देते हैं, कहते हैं हम अथॉरिटी से चलान कर रहे हैं, चलान के डर के मारे बंदा सोचता है कि यार गाड़ी छुड़वा ले वैसी, तो 1,500 रुपये जो भी इनका बनता है, ये इनका डेली का एक रूटीन हो गया दोस्तों वहाँ पर। काफ़ी भाई जानते भी होंगे, जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप GIP मॉल्स की तरफ गाड़ी लगा रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क होकर गाड़ी लगाओ, ऐसे बंदे आएंगे। और ये बंदे हैं कौन, ये बंदे हैं दोस्तों ना ही अथॉरिटी के बंदे, ये वहीं की जो लोकल पार्किंग वाले बंदे होते हैं वही इन्होंने एक धांधली सी मचा रखी है और ड्राइवर भाई को डरा रखा है कि मतलब आपकी गाड़ी के साथ ही लगा देंगे टोक ही वो, फिर आप सोचेंगे भाई चलान वलान मत करिए, ये ले दे के अपना जो करना है कर ले। तो ऐसी दोस्तों ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी भाई उस तरफ खड़ी करता है गाड़ी तो पहले तो देख कर खड़ी करें, और ये कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, ठीक है, ये बोलते हैं अथॉरिटी से, कोई अथॉरिटी वाले नहीं है, ये लोकल ही पार्किंग वाले बंदे हैं जो वहाँ पर इन्होंने ओला उबर ड्राइवरों से ही एक तरीके का फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके के फ्रॉड से दोस्तों बचे, मुझे भी एक भाई ने अपडेट दिया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर की जाए। तो ये वाक्य किसी के साथ हुआ तो वो मुझे कमेंट्स करके भी बता सकता है कि हाँ उसकी गाड़ी ऐसे ऐसे पकड़ी थी, टो करके लिया, 1,000-1,200 रुपये ले लिए उससे। तो दोस्तों आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो जो भी भाई उस तरफ लगाता है उस तरफ गाड़ी ना लगाएं, और इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं और किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई नो पार्किंग की कोई स्पेस नहीं है वहाँ, सभी लोग खड़ी करते हैं और मोस्टली टारगेट ओला उबर के ड्राइवर भाइयों को ही किया जा रहा है।
तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों। ये मेरे पास अपडेट मेरे एक भाई ने, वहीं पर रहते हैं, उन्होंने दिया था कि महेश भाई आप अपनी वीडियो के माध्यम से बताना ड्राइवर भाइयों को, और इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो कई यूट्यूब पे आ भी चुकी है, किसी भाई ने बनाई होगी, वरना इसके बारे में अथॉरिटी को जो वहाँ की अथॉरिटी है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनको भी मेल कर दिया गया है ट्विटर के माध्यम से। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं GIP मॉल के सामने। अगर आप गाड़ी लगाते हो, कमर्शियल गाड़ी ही, टैक्सी को ही टारगेट कर रहे हैं, और ये कोई अथॉरिटी के बंदे नहीं, ये लोकल पार्किंग के ही बंदे हैं जो कि कमाने के चक्कर में ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके की परेशानी होती है आपको, तो बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सामना करिए उनका और उनको बोलिए भाई ये पार्किंग का सभी लगाते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। तो दो चार ड्राइवर इकट्ठे होंगे तब इनका जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाएगा। और वैसे तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है, तो आप खुद सतर्क रहेंगे इस बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2457 रुपये का मेरा आज का काम है दोस्तों। इसमें मेरे को जो टोल मिला है वो 420 रुपये का, UP भी गया था, हरियाणा भी गया था, वापसी के 2 MCD मिले हैं, 2 ये मिले हैं। तो 2457 प्लस 420 रुपये का टोल, आप मान के चलिए 2500 और 429 रुपये का मेरा काम है। 2900 में जो मेरी CNG डली है दोस्तों, वो दिन में मैंने डलवाई थी 392 रुपये की, और उससे पहले सुबह मैंने डलवाई थी 580 रुपये की। तो अभी मेरे पास कम से कम 200 रुपये तक की CNG पड़ी है, तो 580 और 392 तकरीबन 950 की CNG लग चुकी है, जिसमें से 700 रुपये आप मान लीजिए पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है, तो 250 रुपये तक की CNG पड़ी है मेरे पास। तो 700 रुपये की CNG हो गई है, 2500 का काम है, तो 2500 में से 700 निकाल लेंगे, बचेंगे 1800 रुपये, 1800 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, ये सब चीज़ें निकाल लेंगे, तो बचेंगे 1500 रुपये। तो 1500 रुपये दोस्तों आज की नेट इनकम है, 1500 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर मैं टोल को प्लस कर लेता हूँ तो यही इनकम बढ़ के 1900 भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टोल को अर्निंग में काउंट करते हैं, बट मैं नहीं करता अर्निंग में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा काम कितना होता है ऑल ओवर में, और जो मैंने आपको आज अपडेट बताया दोस्तों, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भाइयों को शेयर करना है। वीडियो शेयर करोगे और भाइयों के पास चली जाएगी, और भाई जो इस फ्रॉड में फंसने की उसमें होंगे तो वो बच जाएंगे इस चीज़ में। और आप भी सतर्क रहिए, वहाँ पर अगर GIP पे ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले गाड़ी उस तरफ लगाओ मत, अपोजिट साइड पे लगा लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।